हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मेरा नाम है सौरभ शाह और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट ड्राइंग मटेरियल्स फॉर बिगिनर्स अंडर ₹100। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अभी बस एक बिगिनर है और आपकी ड्राइंग्स दिखती है कुछ ऐसी और आप उसको बनाना चाहते हैं ऐसी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो कोई भी महंगे पेपर स्टम्प, पेपर्स, चाकोल पेंसिल, नीडेड इरेजर किसी की भी जरूरत नहीं है। आपको बस चाहिए कुछ अच्छे और रीजनेबल ड्राइंग मटेरियल्स फॉर प्रैक्टिसिंग ड्राइंग एंड मेकिंग इट परफेक्ट। सो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। सो देखते हैं क्या क्या है वो ड्राइंग मटेरियल्स। सबसे पहले दोस्तों आते हैं पेपर पे। जब हम पेपर की बात करते हैं तो हमें कोई भी फैंसी स्टेडलर या कैंसन के पेपर की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बिगिनर है और सबसे पहले ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बस प्रिंटेड पेपर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रिंटेड पेपर पे ही मैंने बनाया है ये वाली और ये वाली ड्राइंग्स। ये मैंने 4 साल पहले बनाई थी, ये 2 साल पहले और ये 1 साल पहले। देख सकते हैं आप कि कैसे प्रिंटेड पेपर पे भी हम स्किल्स का यूज करके अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप कोई एक स्केचबुक खरीदे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी लोकल कंपनी का एक स्केचबुक खरीद सकते हैं 20 या 30 पेजेस का। जैसे कि मैं रिकमेंड करूंगा क्लासमेट की ड्राइंग नोटबुक्स, जिसमें आप बस स्केचिंग ही नहीं बल्कि आप ऑयल पेस्टल्स से स्केचिंग से लेके ऑयल पेस्टल से लेके वाटर कलर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा और बड़ा है और आप थोड़ी और महंगी नोटबुक खरीदनी चाहते हैं, तो आप कोई भी 50 शीट्स के स्केचिंग बुक को खरीद सकते हैं, या तो क्लासमेट का या तो ऑक्सफोर्ड का, किसी भी कंपनी का, जिसमें आप वाटर कलर से लेके स्केचिंग से लेके कुछ भी बना सकते हैं। ये मेरा स्केचबुक है जिसमें मैं ड्राइंग की प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसमें मैंने हर तरह की ड्राइंग बनाई है बस इस नोटबुक में। इसकी कीमत है बस ₹50 और ये वाली जो ड्राइंग नोटबुक है इसकी कीमत है बस ₹20। तो देखा दोस्तों आपने, आप बस प्रिंटेड पेपर में या तो किसी भी लोकल कंपनी के आर्ट में, आर्ट पेपर में, या तो किसी भी एक अच्छे से ब्रांड के पेपर में भी सेम तरह की ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वाले ड्राइंग नोटबुक के जो पेपर्स है उसको यूज करके मैंने काफी सारे ड्राइंग्स जो मेरे रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक है मैंने बनाए। जैसे कि ये वाली ड्राइंग या फिर ये वाली ड्राइंग जो कि मैंने चारकोल से बनाई है, या फिर ये वाली पोर्ट्रेट और सबसे रिसेंट ये वाली पोर्ट्रेट। तो आप देख सकते हैं कि काफी रियलिस्टिक लुक आ सकता है किसी भी पेपर से। और इस पेपर का जो टेक्सचर है वो मीडियम है, रफ भी पूरी तरीके से नहीं है और पूरी तरीके से स्मूथ भी नहीं है, और इससे सबसे अच्छा इफेक्ट आता है। और पेपर के बाद अभी आता है हमारा जो मेन चीज है, पेंसिल्स। पेंसिल्स आपने देखे होंगे काफी सारे महंगे महंगे पेंसिल्स पूरे सेट आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 2 पेंसिल से ज्यादा जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत है बस एक पेंसिल की डार्क, जो आप किसी भी कंपनी का पेंसिल यूज कर सकते हैं, और एक HB पेंसिल की, जो कि आप अप्सरा का HB पेंसिल यूज करें वो काफी अच्छा होता है और डार्क फिनिश आपको दे सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने ये वाली जो ड्रॉइंग है इसको मैंने बस 2 ही पेंसिल से बनाया है, एक 11B अप्सरा पेंसिल से और एक ये वाली पेंसिल से, HB पेंसिल से। तो आप बस डार्क एरियाज के लिए एक पेंसिल और लाइट एरियाज के लिए एक पेंसिल यूज कर सकते हैं। और इसको खरीदने के लिए आप बस ₹10 या ₹15 किसी किसी जगह पर होती है, और ये पेंसिल बस ₹5 में आ जाती है। तो अगर आप बस ग्रेफाइट में ही ड्रॉ करना चाहते हैं तो 2 पेंसिल्स काफी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं चारकोल में भी बनाऊं, तो आप यूज कर सकते हैं जो कैमलिन के चारकोल पेंसिल का ये सेट है। मेरे पास 3 पेंसिल है,
हार्ड सॉफ्ट और मीडियम, लेकिन आपको तीनों पेंसिल की जरूरत नहीं है। ये सेट पूरा मुझे 45 से 75 रुपीस में मिल सकता है, लेकिन आप बस अगर सॉफ्ट पेंसिल का भी यूज करें तो कोई भी इफेक्ट ला सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ड्राइंग बस इसी पेंसिल से बना ली है, तो आप देखिए कि सबसे सस्ते में आप कैसे कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरे मटेरियल जो कि इरेजर और शार्पनर्स। इरेजर आप कोई भी ब्रांड का यूज कर लीजिए, मैं यूज करता हूँ अप्सरा का। ये ट्रायंगुलर पेंसिल, ट्रायंगुलर इरेजर क्यों? क्योंकि इसको आप काट के आप थिन लाइंस के लिए काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको शार्पनर की जरूरत है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप चारकोल पेंसिल्स और बहुत ही मोटे लिड वाले ड्राइंग पेंसिल्स का यूज कर रहे हैं, तो आप सबसे पहला चांस आप दे किसी भी कटर को, जो कि आपको किसी भी दुकान में 10 रुपीस या उससे ज्यादा या कम का भी मिल सकता है। और अगर आपको इससे मुश्किल होती है काटने के लिए, तो आप कोई भी क्लासिक शार्पनर की हेल्प ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास है तो आप कोई भी एक सैंड पेपर या सैंड ब्लॉक का यूज कर सकते हैं आप अपने पेंसिल को शार्प करने के लिए। इससे ज्यादा ड्राइंग मटेरियल्स आपको जरूरत ही नहीं। और अगर आप चाहते हैं कोई भी टूल का ब्लेंडिंग के लिए, तो आप कोई भी सस्ते कॉटन विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज्यादा मैंने कभी यूज नहीं किया। और अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर स्टम्प का यूज करें, जो कि बिल्कुल बेकार है, एक्चुअली पेपर स्टम्प्स का कोई उतना ज्यादा यूज है भी नहीं, और अगर आप चाहते हैं फिर भी कि मैं कोई पेपर स्टम्प का यूज करूं, तो आप उसको खुद ही अपने घर में पेपर को रोल करके बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों कैसे हमने बस एक 20 रुपीज के पेपर से, 10 रुपीज के पेंसिल से, और ये 5 रुपीज का पेंसिल, और ये भी 10 रुपीज का पेंसिल से, ये 10 रुपीज का कटर से, और ये 5 रुपीज का शार्पनर से, और इसका पूरा पैक भी आपको 10 रुपीज का मिल जाएगा। तो टोटल बस इतने सस्ते आइटम से आप कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग स्केचिंग बिगिनर में कर सकते हैं। बिगिनर क्या, आप एडवांस भी जा सकते हैं इसमें। जैसे कि मैंने ये वाला ड्राइंग भी बस इतने ही चीजों का इस्तेमाल करके किया है। हालांकि मैंने इस ड्राइंग में टॉम्बो जीरो इस इरेजर का भी यूज किया, लेकिन इसकी आपको कोई भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो थैंक यू एंड गुड बाय।